अच्छा उस्मान साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में अंदर खास तौर पे प्रेशर्स भी होते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस को किस तरह फेस करते हैं आप? पॉलिटिक्स में अगर चैलेंजेस ना हो तो मैं नहीं समझती कि वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कहलाएगी। यस यस। तो कैसे फेस करती हैं? क्या मतलब उस टाइम गुस्सा भी आता होगा, बंदा प्रेशराइज भी हो जाता होगा, कभी तो बिल्कुल डिप्रेस भी हो जाता होगा। नहीं देखें, फेस करना पड़ता है। ओके। वो सिर्फ पॉलिटिक्स ही फ्लोर नहीं, वो कोई भी फ्लोर हो उसको फेस करना पड़ता है। तो बड़े तहम्मुल से, बड़े इंतज़ार के साथ, हम्बल तरीके से फेस करती हूँ, क्योंकि अगर हम शाउटिंग करेंगे या हम खुद पैनिक हो जाएंगे तो फिर हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बेसिकली पॉलिटिक्स है ही पेशेंस का दूसरा नाम, पीसफुल रहने का नाम। बिल्कुल सही। और मैं ये समझती हूँ कि एक पॉलिटिशियन जब अपने अंदर एक हम्बलनेस और पीसफुली एक कहते हैं ना जंग जो होती है उसको थाम कर और पीसफुल चलता है, तब ही जाकर वो एक पॉलिटिशियन बनता है। बिल्कुल सही, तो मैं उसको बड़े आराम से जो है टैकल कर लेती हूँ। जबरदस्त। अच्छा अली भाई, एज कम्पेयर टू अर्लियर, हम देखें तो इस टेन्योर में यंग पार्लियामेंटेरियंस का तादाद बढ़ा है, इसको किस तरह देखते हैं और इसका रिवॉर्ड किसको जाता है, ये तब्दीली आई कैसे है? देखिए, आई थिंक अगर पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और अगर आप पाकिस्तान की आबादी को देखें, 60-65% यूथ है, तो हमारी पार्टी के जो चेयरमैन भी हैं वो भी नौजवान हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो क्रेडिट उनको बिल्कुल जाता है। नई सोच लेके आए हैं, नया जज्बा लेके आए हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग है। और ठीक है, वो जो पुराने हैं हमारे बिल्कुल काबिल एहतराम हैं, उनका एक्सपीरियंस अपनी जगह, उसको तो न्यू जनरेशन नहीं मैच कर सकती ना। कुछ चीज़ें, देयर नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, जो आपको एक्सपीरियंस से चीज़ें पता चल सकती हैं वो आपको जितना आप पढ़ भी लिख लें वो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो आई फील के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से आए हैं तो लाइक माइंडेड पीपल, यंग एनर्जेटिक यंगस्टर्स, उनको मौका भी मिल रहा है। और आई थिंक हमारे जो सीनियर हैं वो भी चाहते हैं कि आप कहते हैं यार हमारी भी एज होगी, हम चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो आए। वो जिम्मेदारी है ना ये। हम इसको प्रिविलेज नहीं देखते हैं, इसको एज अ जिम्मेदारी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे कंधे पे से ये बोझ हटाएं, बच्चे आए, अब वो आप ये काम करें, इसको आगे लेके चलें। बिल्कुल सही। अच्छा अली भाई, आपकी मुलाकात जरदारी साहब से भी हुई, आप हायर डेलीगेशंस के साथ मिलते भी रहते होंगे मीटिंग्स के सिलसिले में, कोई ऐसे फैक्टर्स जो आप हायर डेलीगेशन के साथ मीटिंग से पहले आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, यार ये पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्गली मैंने वहाँ पे पोर्ट से भी करने हैं और मीटिंग को अच्छे तरीके से लेकर चलना है? बिल्कुल, देखें अपनी परफॉर्मेंस, और ख़ास तौर से मैं यहाँ जब मेरी मुलाकात अदी फरियाल तालपुर साहिबा से होती तो उनका जो है एक काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है। बहुत एनर्जेटिक, आई थिंक दिन में वो अपनी 30-40 मीटिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल करती हैं, बहुत ग्रिप है उनकी पार्टी पे और एक एक चीज़ पे। तो जब उनसे मुलाकात हो रही होती है तो प्रिपरेशन लाजमी होनी होती है, इसलिए कि उनको एक एक चीज़ याद भी रहती है और एक एक चीज़ पता भी होती है। तो अगर आप उनके सामने जा रहे होते हैं तो शी कैन आस्क यू एनीथिंग कि आपके हल्के में ये था, उसका क्या हुआ, वो वर्कर था, उसको ये इशू था, उसका क्या। तो ये आई थिंक बड़ा एक हमारे लिए भी बड़ा मोटिवेशनल रहता है कि हमारी सीनियर क्यादत को एक एक चीज़ का पता है और दे हैव आई ऑन एवरीथिंग। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भी नोटिस हो रहा है, अगर बुरा कर रहे हैं तो भी नोटिस हो रहा है, तो लापरवाही नहीं है, तो बंदा मोटिवेटेड रहता है और काम रहता है और अकाउंटेबल भी रहता है, इसलिए एक एक चीज़ वो देख रहे होते हैं और आपसे पूछ भी रहे होते हैं।